राजस्थान में आपसी कहासुनी में बड़े भाई ने छोटे भाई की ले ली जान। दरअसल ये मामला सोजत रोड थाना अंतर्गत गांव मानड़ा का है, जहां शनिवार को भाइयों में आपसी कहासुनी में बड़े भाई ने की छोटे भाई की हत्या। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विपिन शर्मा ने बताया कि मांडा में हरीश नाथ ने अपने छोटे भाई गोविंद नाथ को धारदार हथियार से वार कर उसकी हत्या कर दी। उसके हत्या के दौरान उसकी माँ बेबी नाथ वहाँ आई और देखा कि बड़े भाई ने छोटे भाई को कूट से वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। बड़ा भाई हरीश नाथ शराब के नशे में चूर, माँ बेबी ने अपनी जान बचाकर बस स्टैंड पर पहुंचकर लोगों को बताया। तभी ग्रामीणों ने पुलिस को इस घटना की सूचना दी। सूचना मिलने पर सोजत रोड थाना अधिकारी जब्बर सिंह राजपुरोहित जब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और आरोपी हरीश नाथ को मौके पर गिरफ्तार कर लिया। वही घटना स्थल पर पाली अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विपिन शर्मा, सोजत पुलिस उप अधीक्षक दोरवार सिंह सोडा भी पहुंचे और घटना की जानकारी ली। बता दें, शव को पुलिस कब्जे में लेकर सोजत रोड अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और वही पुलिस ने मां बेबी की रिपोर्ट मामला दर्ज कर अनुसंधान जारी किया। सर, क्या मामला है आज? थाना सोजत रोड के SHO ने बताया कि मांडा गाँव के अंदर कैलाश नाथ के दो लड़के हैं जो अपने परिवार सहित रहते हैं, जिसमें छोटे का नाम तो गोविंद है और बड़े का नाम हरीश है। हरीश और गोविंद सुबह से ही शराब के नशे में थे, ठेके पे दोनों शराब पीने गए थे। उस पे हरीश ने अपने छोटे भाई गोविंद को धारदार लोहे के हथियार से गला और गर्दन के ऊपर चोटें मारी, जिसकी डेथ हो गई। CO साहब हमारे दरावर सिंह जी, SHO जब्बर सिंह जी और मैं, हम तुरंत मौके पे पहुंचे। पुलिस टीमों को गठन किया गया, लड़के के बारे में जानकारी की गई और अभी जो समाचार मिले हैं उसके अंदर उसकी माँ बेबी देवी ने मुकदमा दर्ज कराया कि मेरे बेटे को मेरे बेटे ने ही बड़े बेटे ने मार दिया और पुलिस ने त्वरित अनुसंधान और नाकेबंदी करते हुए उसके बड़े भाई मुलजिम जो हरीश है उसको दस्तियाब कर लिया गया। CO साहब के नेतृत्व में टीम गठित की गई है, पूरी पूछताछ करेंगे और डेड बॉडी को हॉस्पिटल में रखवाया है, मोर्चरी रूम में रखवाया, पोस्टमार्टम करवाया। सर, इनके कोई पहले भी रंजिश थी भाइयों के? भाइयों के रंजिश तो सामने नहीं आई, लेकिन ये जो हरीश बड़ा भाई है ये एक तरह से क्रिमिनल टाइप का एक आधा इनका SC ST का मुकदमा दर्ज हुआ है पूर्व के अंदर, जो CO साहब द्वारा अनुसंधान किया गया है। और मुख्यतः आज की लड़ाई जो तत्कालीन कारण है वो ज़्यादा शराब पीने की वजह से कोई गाली गलौज या कोई नोक झोंक हुई होगी, अन्य कोई बात सामने नहीं आई है। अभी मुकदमा दर्ज करेंगे और अनुसंधान करेंगे। सोजत रोड थाना क्षेत्र में मांडा गाँव में आज प्रातः एक परिवार में दोनों भाइयों के आपस में झगड़ा हुआ, जिसमें हरीश नाथ ने अपने छोटे भाई की कूट से वार कर हत्या कर दी। सरपंच साहब द्वारा सूचना मिलने पर तुरंत ही SHO और मैं जाता मौका भी पहुंचे और आरोपी को दस्तियाब कर लिया गया है। बाकी कार्रवाई जारी। जागरूक टाइम्स के लिए बाबूलाल पवार की रिपोर्ट।